हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल इंडिया एक जन्नत में। आज हम चल रहे हैं लंच बुफे के लिए एब्सोल्यूट बारबेक्यू गुड़गांव। अभी रिसेंटली ही एब्सोल्यूट बारबेक्यू को मिला है अवार्ड बाय टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर द बेस्ट बारबेक्यू एंड ग्रिल रेस्टोरेंट इन इंडिया, और साथ में ही मिला है इन्हें अवार्ड फॉर द बेस्ट बुफे रेस्टोरेंट बाय फूड कॉनेसर्स इंडिया। एब्सोल्यूट को जो अलग करता है दूसरे बारबेक्यू रेस्टोरेंट से, वो है इनकी स्पेशल लाइव किचन और मंगोलियन ग्रिल। तो चलें शुरू करते हैं और शेयर करते हैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ। हमारा ये इंडिया फेवरेट ग्रिल रेस्टोरेंट है एब्सोल्यूट बारबेक्यू, जहाँ पे ये बफे कॉन्सेप्ट रहता है। हमारा फर्स्ट यहाँ पे चारकोल ग्रिल आएगा मैम, जिसमें आप नॉन वेजिटेरियन तो हम वेज भी सर्व करेंगे, जिसमें आपके 6 वेज एंड 5 नॉन वेज रहेंगे जो अनलिमिटेड सर्व होंगे आपके टेबल में। उसके बाद देयर इज अ लाइव काउंटर, लॉट्स ऑफ वैरायटीज इन नॉन वेज एंड वेज आल्सो। ब्रांच के मैनेजर तो इनसे पता करते हैं यहाँ पे क्या क्या अभी ऑफर्स चल रही हैं और बाकी सारी डिटेल्स इनसे पता करते हैं। ठीक है, अभी क्या है प्राइसेस हमारी जो हैं, मंडे और ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे को रखा है हमने कॉर्पोरेट प्राइस में, जिसमें आपका लंच का प्राइस है वेज का 660 रुपीज़ और नॉन वेज का प्राइस है 681 रुपीज़, जो पूरे वीक में सबसे लेस प्राइस है हमारा। उसके बाद में आपका जो डिनर का प्राइस है 681 रुपीज़ है वेज का, और नॉन वेज का जो प्राइस है 702 रुपीज़ है। ठीक है, ये तो मंडे का प्राइस है। इसके बाद रेगुलर प्राइस वेडनेसडे टू फ्राइडे में आता है, वेडनेसडे टू फ्राइडे वेज का प्राइस लंच का 733 रुपीज़ है, और नॉन वेज का प्राइस जो है 765 रुपीज़ है, 765 रुपीज़ इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। उसके बाद में डिनर का जो प्राइस है हमारा, वेज का प्राइस है 733 रुपीज़, लंच डिनर, लंच और डिनर वेज का वेडनेसडे टू फ्राइडे सेम प्राइस है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। डिनर का जो प्राइस है 838 रुपीज़ का, नॉन वेज है वो उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। बाकी रेगुलर डेज में आपका ये हो गया सैटरडे और संडे, वीकेंड्स में थोड़ा सा प्राइस है हमारा चेंज। इसमें आपका जो नॉन वेज का प्राइस है, वेज का जो प्राइस है 786 रुपीज़ है, और नॉन वेज का प्राइस जो है 891 रुपीज़ है। लंच और डिनर वेज और नॉन वेज बोथ का ऐसा प्राइस है सैटरडे संडे का। ऑफर्स हमारे पास है 10-1 का एक ऑफ़र है, अगर आप 10 के ग्रुप में आते हैं तो विल चार्ज फॉर 9 पीपल, एक पर्सन जो रहेंगे, एक पैक्स जो रहेंगे आपके, वो फ्री रहेंगे हमारी ओर से। जिनी बॉक्स वगैरह वो हमारा एक्सप्रेस है, ABS बाई एक्सप्रेस के नाम से डिलीवरी का है, जो आप जोमेटो पे है और स्विगी पे है। हमारा खुद का एक एप्लीकेशन है ABS का, 3BS और ABS के नाम से, वो एप्लीकेशन पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हो। उसमें एक्साइटिंग ऑफर्स हैं अपने पास, 20% ऑफ चल रहा है अभी, तो वो ऑर्डर कर सकते हैं आप जाके। जोमेटो की डील्स हैं उसमें, जिनी बुफे बॉक्स हैं, वेज बॉक्स है, नॉन वेज बॉक्स है, मिक्स बॉक्स है, फैमिली बॉक्स हैं, और उसके अंदर काफ़ी सारे वेरिएशंस हैं। सिंगल पर्सन है, आप अकेले हैं, आप चाहते हैं मेरे को अकेले स्टार्टर्स और मेन कोर्स दोनों चीज़ें ट्राई करनी है, तो एक जिनी सिंगल बॉक्स है उसमें आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपको उसके लिए ऑर्डर करेंगे जोमेटो या स्विगी के थ्रू, जो भी ऑफ़र रहेंगे वहाँ पर वैलिड रहेंगे। आप टेक अवे भी कर सकते हैं, आप आते हैं आउटलेट, आप बोलते हैं चलो ठीक है मैं आया हूँ ABS घूमने के लिए आया हूँ, चलो ठीक है कुछ लेके जाता हूँ यहाँ से, तो आप वो भी कैरी करके लेके जा सकते हैं। हाँ, वो एक सेलिब्रेशन पैकेज है, सेलिब्रेशन पैकेज में 3000 रुपीज़ का अमाउंट है, 3000 रुपीज़ में आपको 4 पर्सन का डाइनिंग मिलेगा, उसके साथ सेलिब्रेशन के लिए फ्रूट शैंपेन मिलेगा और कुछ कुकीज़ और चॉकलेट्स मिलेंगे हमारी ओर से, वो स्पेशली सेलिब्रेशन के लिए बनाया गया है। एंड दिस इज़ अमेरिकन चीज़ी पोटैटोस, ये हमारे वेज प्लाटर में रहता है। दिशा कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है। क्या लग रहा है सबसे अच्छा अभी तक? पोटैटो। इनके क्रिस्पी कॉर्न्स बहुत ही जूसी, और साथ में जो इनके ऊपर मसाला लगा हुआ है काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देता है इसको, इसमें प्याज धनिया काफ़ी इंटरेस्टिंग टेस्ट है इसका। तो अब हम ट्राई करने जा रहे हैं पनीर, अचारी पनीर, इतना लाजवाब है। और यहाँ की जो खास बात है एब्सोल्यूट बारबेक्यू की, वो ये है कि ये बिल्कुल आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ कर देते हैं, कि अगर आपको स्पाइसेस कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, आप अपना बता सकते हैं उनको, और उसी के अकॉर्डिंगली वो आपका स्पाइस लेवल के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके आपको सर्व करेंगे। चरास्को पाइनएप्पल, ये हनी और सिनेमन सॉस के साथ जाता है हमारा, और हम इसे तंदूर में पकाते हैं मैम। पकड़ी
पाइनएप्पल जो कि एब्सोल्यूट बारबेक्यू की सिग्नेचर डिश है और इतनी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है। माइंड ब्लोइंग। इसका जो खट्टा मीठा टेस्ट है उसके ऊपर जो हनी और सिनेमन का सॉसेज है इसके टेस्ट को इतना इन्हेंस कर रही है, मज़ा आ गया। तो अभी टेस्ट करने जा रहे हैं टंगरी कबाब, काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग सी लग रही है, काफ़ी जूसी लग रही है, टेस्ट करते हैं। बहुत ही जूसी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अगेन इनका शायद कुछ भी आप टेस्ट करो यहाँ पे, कुछ भी जितना भी हम कुछ खाया हमने एकदम परफेक्टली कुक। मज़ा आ गया। सो एंजॉय करते हैं अब पानी पूरी, हम सबके फेवरेट। तो हम अभी आ चुके हैं वेज ग्रिल काउंटर और ये इनका स्पेशल काउंटर है लाइव किचन एंड यहाँ पे है मंगोलियन ग्रिल। सो अभी हमने इनके लाइव किचन में ज्वाइन कर लिया है और पास्ता जो है डिवीशन ने ऑर्डर किया था, पर अब साथ ही साथ में वो अपना यहाँ पे थोड़ा हाथ लगाएगी और कुक भी करेगी और इन्जॉय करेगी। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, जैसे इन्वॉल्व कर लेते हैं अपने साथ सबको और एक बूफे का तो मज़ा है ही है, और साथ में ये जो लाइव किचन में दिविशा अभी आई है और खूब इन्जॉय कर रही है और एक नया कॉन्सेप्ट है बच्चों के लिए। ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है और सिग्नेचर है एब्सोल्यूट बारबेक्यू का। सो अभी हम ट्राई कर रहे हैं इनके लाइव किचन, और ये है स्टर फ्राई नूडल्स विद वेजिटेबल्स। ये नॉन वेजिटेरियन में भी आप कर सकते हैं, बट थैंक यू। एब्सोल्यूट बारबेक्यू में एक अलग से किड सेक्शन भी है, इसमें इन्होंने पॉपकॉर्न्स प्रोवाइड किए हैं, स्माइलीज हैं, फ्रूट केक है, जेलीज हैं, फ्रूट्स हैं, और यहाँ पे एक यूनिक अगेन एक कॉन्सेप्ट है मैक्सिकन चिली आइसक्रीम का। वी होप आप वीडियो एंजॉय कर रहे हैं और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए ताकि हम लेके आ सकें आपके लिए नए और अच्छे वीडियोस। बने रहिए एंड तक, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं देखने के लिए, तो कीप वॉचिंग। तो अब हमारे स्टार्टर्स हो चुके हैं, हमने लाइव किचन भी इंजॉय कर लिया है और अब हम जा रहे हैं अपने मेन कोर्स के लिए। सो पहले शुरू करते हैं सूप से, वेज गार्डन सूप, चिकन मांचाओ सूप, सूप बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही टैंगी फ्लेवर आ रहा है इसका। काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं, तंदूरी रोटी है, मिस्सी रोटी है और लच्छा पराठा है। काफ़ी टेस्टी है और स्पाइसेस भी बिल्कुल एकदम नॉर्मल है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। श्रीलंकन फिश ट्राई करते हैं, काफ़ी अच्छी है। आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस? हमारा ये फर्स्ट नाइट नहीं है, हम काफ़ी बारी पहले भी आ चुके हैं, लेकिन कैमरे के साथ फर्स्ट टाइम आया। कैमरा के सामने ज़रूर फर्स्ट टाइम आए हैं और एक्चुअली हम बहुत इन्जॉय करते हैं जब भी यहाँ पे आते हैं, अपनी फैमिली के साथ आते हैं, कोई भी सेलिब्रेशन होते हैं तो हम प्री बुक कर लेते हैं और हम आते हैं और इन्जॉय करते हैं। और यहाँ की एक्चुअली सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है वो यही है कि जब कोई सेलिब्रेशन होती है, कोई बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होता है, तो दे गिव यू अ कॉम्प्लीमेंट्री केक ऑल्सो एंड लाइक 5-6 पीपल फ्रॉम देयर टीम दे कम एंड यू नो दे सिंग अ सॉन्ग एंड दैट गिव्स सच अ स्पेशल फीलिंग।
और वो आपको स्पेशल डे जो है ना वो एक्चुअली बहुत स्पेशल कर देते हैं। एनी टाइप ऑफ सेलिब्रेशन यू हैव विद योर फैमिली और विद कलीग्स, तो हम लोग चाहते हैं कि हम इस प्लेस को ऐसा डेवलप करें, ऐसा हैपनिंग करें कि सेलिब्रेशन का नाम आया दिमाग में तो बस लोगों को सीधा ABS जाना है। एग्जैक्टली हम वो वाला नाम बनाना चाहते हैं गेस्टों के बीच में। बिल्कुल, तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जितना बेहतर कर सकें हाँ जी, उतने ज़्यादा सजेशंस जो आपके सजेशंस मिलते हैं, फीडबैक्स जो मिलते हैं, हम लोग उन पर भी काम करते हैं। नई नई चीज़ें आती है कि आप ऐसा कर सकते हैं, तो हम लोगों ने वो सेलिब्रेशन पैकेज इसी के लिए बनाया है, डेवलप किया है। मैंने अभी देखा इस बारी जब मैं आई हूँ कोविड के बाद, काफ़ी गैप के बाद थोड़े आए हैं, लेकिन हमने नोट किया कि किड सेक्शन शायद नया बनाया गया है। किड सेक्शन हम लोगों ने स्टार्ट किया है, हम लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे फीडबैक्स आ रहे थे कि अच्छा है आपके पास लेकिन किड्स के लिए कुछ होना चाहिए। एग्जैक्टली फिर हम लोगों ने सोचा किड्स के लिए क्या करना है, चीज़ें तो हम देते थे, सारी चीज़ें हम लोग देते थे हाँ जी, लेकिन ये डिस्प्ले नहीं था। फिर आइडिया आया दिमाग में कि चलो फ्रेंच फ्राइज तो हम रेगुलर दे ही रहे हैं, एक दो आइटम्स और ऐड करते हैं किड्स के लिए, तो एक किड्स काउंटर बनाया फिर हमने आपके लिए। नहीं, वो बच्चों को ना एक हाँ एक अट्रैक्शन हो जाता है, ऐसा लगता है कि हाँ अरे वाह मेरे लिए कुछ है। और एक चीज़ जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है ना, यहाँ की जो लाइव किचन है, जो मंगोलियन ग्रिल, विश ग्रिल, जो लाइक यू नो आप मौका देते हैं कि वो एक कस्टमर जाए और वो खुद अपना वहाँ पे कुक करे, वो एक सिग्नेचर है हमारा, वो एक थंबनेल है कि हाँ भाई एब्सोल्यूट बारबेक्यू जाएंगे तो वो सब मिलेगा ही मिलेगा। आप नॉनवेज में अगर ट्राई करेंगे काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं, रैबिट है, इमू है, शार्क है, क्विल है, स्क्विड है, ऑक्टोपस है, काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं जो आपको नॉर्मली मार्केट में नहीं मिलते हैं। राइट, अगर आप जाते हैं कहीं स्पेशल इन चीज़ों को खाने के लिए तो ऐसा होता है, ये चीज़ें ऐसी होती हैं, एक्जॉटिक मीट्स जो है कोई पेट भर के नहीं खाता, ये जस्ट फॉर टेस्ट होता है, तो हम लोगों ने उस तरीके से रखा हुआ है। आप स्टार्टर्स खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, वेज खा रहे हैं, उसके बाद में आपको लग रहा है थोड़ा सा एक्जॉटिक में कुछ ट्राई कर लेता हूँ तो आप जा सकते हैं एक्जॉटिक के लिए। कहीं जाएंगे आप पूरा पोर्शन ऑर्डर करेंगे, वो खाना है फिर आपको पूरा खाना पड़ेगा क्योंकि वेस्ट तो कर नहीं सकते। बिल्कुल, उस हिसाब से हम लोगों ने रखा है उसको कि जितना आप ट्राई करना चाहें उतना बनवा लीजिए अपने लिए और ट्राई कीजिए आराम से। थैंक यू, वेलकम मैम, थैंक यू सो मच, वेरी मच, थैंक्स फॉर कमिंग। Is coming right at me all over again. So, अभी हम enjoy कर रहे हैं अपनी खान आइसक्रीम। इतनी ही टेस्टी है। इसमें जो फ्लेवर्स आ रहे हैं, एक शरबत का फ्लेवर आ रहा है, कुछ सौंफ डले हुए हैं और इतनी रिफ्रेशिंग है, मज़ा आ गया। ABS में जो डेजर्ट सेक्शन है बहुत ही शानदार है, इतनी सारी वैरायटी है, गुलाब जामुन है, पेस्ट्री है, जलेबी है, हलवा है, मतलब एंडलेस वैरायटी है, याद भी नहीं है इतनी सारी वैरायटी थी। थैंक यू सो मच मिस्टर राहुल, आप हम निकलने वाले थे और निकलते निकलते आप हमारे लिए इतना स्पेशल सर लेके आए हैं, आपने इतने अच्छे से जो सर्व किया, वी वॉन्ट टू थैंक यू। सो अब शुरू करते हैं, ये जाते जाते फिर शुरू करते हैं ये आइसक्रीम, डिजर्ट जो इतनी इंटरेस्टिंग सी डिजर्ट लेके आए हैं राहुल हमारे लिए सबके लिए। As I turn out all the lights, all I want from you is to listen and remember the good times. If you think of all that we leave out, is that real, you're feeling good? I know nothing ever turned out as you wanted to. But every time I feel it, every time I breathe, every time I close my eyes,